होशियां बचनियां ना दानियां। जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। सैंटा क्लॉज आप यहाँ? अरे फिर वही घिसा पिटा सवाल, इतने एपिसोड हो गए। मैं कैसे लग रहा? आप एकदम लाल लाल लग रहे हैं। थैंक यू। वैसे आप एंटार्क्टिका से कब आए? अरे मैं एंटार्क्टिका गया ही कब था? नहीं, आप एंटार्क्टिका गए नहीं थे, आप तो एंटार्क्टिका में रहते हैं ना। अरे वाह, जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे सही एड्रेस बता दिया है कि मैं एंटार्क्टिका में रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा खैर छोड़ो, लाइए मेरा गिफ्ट दीजिए। ये क्या है? अबे ये तो देने आया था तुम्हें। अबे मुझे गिफ्ट देने आए हो कि मुझे भीख मांगने का तरीका बताने आए हो? अबे जैसे तुम्हारे चाल चलन है उस हिसाब से यही सूट करता है तुम्हें, भीख मांगना। इसका मतलब आप मेरे लिए सिर्फ ये कटोरा लेके आए हो? बेटा मैं तो तुम्हें लौटाने आया था जो परसों ले गया था तुमसे। परसों लिया था कब? अरे शक्कर मांगने आया था ना तुमसे। एक मिनट, ये आवाज और ये टुच्ची हरकतें कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। अच्छे जी, कौन है भाई? ये लो। अरे ये क्या कर रहे हो? ये भगवान अंकल। अरे ये भगवान अंकल नहीं, ये दाढ़ी है। भगवान अंकल मैं हूँ। तो आप मुझे सेंटा क्लॉज बन के बेवकूफ बना रहे थे? यार एक महा बेवकूफ को और बेवकूफ कैसे बनाया जा सकता है? तुम ये सेंटा क्यों बने हुए हो? अरे भाई मैंने ड्रेस बनवा ली थी तो सोचा क्यों ना पैसे ही वसूल कर लूं ये ड्रेस पहन के। अबे इतनी जिंदगी जी ली तुमने, जिंदगी से डबल वसूल कर लिया, अब पैसे भी वसूल करोगे? अरे बेटा ये ड्रेस पहनने के बहुत से फायदे हैं। रियली? लड़कियां सेंटा क्लॉज को बहुत पसंद करती हैं। है सच में? अरे हाँ, अब तक मैं 5 गर्लफ्रेंड बना चुका हूँ। चुप कर बे, अपने दांत तो संभलते नहीं तुमसे, 5 गर्लफ्रेंड कैसे संभालोगे? अरे गर्लफ्रेंड संभालने के लिए दांतों की क्या जरूरत है? खैर छोड़ो, भगवान अंकल मुझे भी ये ड्रेस दे दो ना, मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। अरे तुम जैसे निखट्टू और नकारा आदमी अगर ये ड्रेस पहनेगा तो सांता क्लॉज नाराज हो जाएगा। दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? मैं नहीं दूंगा तुमको ड्रेस। ठीक है फिर, मैं तुमसे भी अच्छी ड्रेस बनवाऊंगा, क्रिसमस मनाऊंगा, लड़की पटाऊंगा और तुम्हें चिढ़ाऊंगा। अरे कैसे बनाओगे ड्रेस, तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। मेरे पास भाई है। भाई भाई भागो भागो चंदू भागो। अरे मैं क्यों भागू, मैंने चोरी थोड़ी ना की है। अरे मैं दिल्ली में भूकंप आ गया है। क्या न्यूज़ में तो ऐसा? भाई अरे दिल्ली में भूकंप नहीं, हमारी जिंदगी में भूचाल आ गया है। भूचाल नहीं, ये तो पप्पू है चंदू। नंदू मेरी नजरों से देखो। अच्छा हाँ, जरा तुम्हारी नजर देना। अच्छा शट अप। पप्पू ये क्या तरीका है? भाभी ये तरीका नहीं है, तकिया है। एक्चुअली चंदू की नजरों से देखोगे तो तकिया भी तरीका लगता होगा। अच्छा शट अप नंदू। मैं ये पूछ रही हूँ पप्पू, तुम धड़ल्ले से कमरे में आ गए, तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म तो बहुत आती है भाभी, आप दोनों को अपना रिश्तेदार कहते हुए। क्या तुझे पढ़ाया लिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया, बेकार बैठकर दूसरों की कमाई पर खाना सिखाया, ये सब सुनने के लिए? ओहो बंद करो ये ड्रामा। ये ड्रामा नहीं कॉमेडी। और भाभी अब तो हम बहुत जल्द सेंचुरी मारने वाले हैं। मैं नादानिया की बात नहीं कर रही हूँ, तुम दोनों के मेलो ड्रामा की बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा क्या, और तुम ये सुबह सुबह क्या हो गया तुम्हें? कहाँ भाभी, सुबह से कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ मिस्ड कॉल आ रही है, लगता है कॉन्स्टिपेशन हो गया मुझे। ओहो मैं वॉशरूम जाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि गला फाड़ कर कमरे में क्यों आ गए? अच्छा वो भाभी मुझे ना सेंटा बनना है क्रिसमस मनाने के लिए। क्रिसमस मनाना है? हाँ तो जा मना ले, हमने थोड़ी ना रोका है। भाई पैसे दो ना। खबरदार जो मुझसे पैसे मांगे, जो भी करना है अपने पैसों से करो। अच्छे जी भाई। चंदू खबरदार नंदो। नहीं तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हे बाबू के बच्चे, तुझे क्रिसमस बनाना है तो जा अपने पैसों से बना। मेरे पास तो फूटी खड़ी नहीं है। पापा ये फिर से स्कूल की याद दिलाएगा। वो तो मुझे पता है, हर एपिसोड में वो वही करता है, पहले तुम चाय बना ले। पापा 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 देख रहे हैं आप तो कहते थे कि मेरा भाई मुझे क्रिसमस बनाने के लिए पैसे देगा। पता है मुझे,
ये भी बात पापा ने तुम्हें तब कही होगी जब मैं स्कूल गया हूँगा, है ना? हाँ, तभी कही थी। मुझे तो कभी कभी तुम पर और पापा पर शक आता है कि हर बात तुमने तभी की थी जब मैं स्कूल गया होता। पप्पू, मैं तो स्कूल जाता क्यों था? क्योंकि तुम हिस्ट्री की टीचर माका लूकी पे लाइन मारते थे भाई। क्या नंदू, इतने छिछोरे हो तुम, अपनी टीचर तक को नहीं छोड़ा? जी 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 नहीं, 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 नहीं। चंदू चंदू चंदू, ये पप्पू झूठ बोल रहा है, ये सीन को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। भाई पैसे दे दो, सीन को लाइन पे ले आऊंगा। पैसे वैसे कुछ नहीं मिलेंगे, वैसे महीने के आखिरी दिन चल रहे, मेरी सारी सैलरी खत्म हो गई है। कहा था मैंने तुम्हें चंदू, पार्टी टाइम जॉब कर लो, आई मीन पार्ट टाइम जॉब कर लो। लेकिन तुम मेरी बात कोई मानती नहीं ना। शर्म नहीं आती तुम्हें? इसमें शर्माने वाली क्या बात है? अगर तुम मेहनत करोगी तो हम दोनों प्राउड फील करेंगे ना। अच्छे जी, अब फोन उठा लो। होगा कोई प्रोड्यूसर सर, फिल्म लिख दीजिए, यू नो हाउ इट। हेलो, जय हिंद। भाई साहब आपने रॉन्ग नंबर लगा, यहाँ पर ना कोई जय है ना कोई हिंद। मैं रिटायर्ड कर्नल घूंघट सिंह बोल रहा हूँ। अरे कौन रिटायर्ड कर्नल घूंघट सिंह? अंकल आप? हाँ हम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हम दिल्ली आ रहे हैं क्रिसमस मनाने के लिए, हमारे रहने का इंतजाम हो जाना चाहिए। ओवर एंड आउट। ओके। क्या हुआ भाई, तुम्हारी शक्ल तो ऐसी हो गई जैसे दिल्ली का चुनाव हारने के बाद में भीला दीक्षित की हो गई थी। हम पर हमला होने वाला। क्या, पड़ोसी मुल्क का? कर्नल अंकल का। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ।